पश्चिम बंगाल में 14 महीने बाद बुधवार को आखिरकार ममता बनर्जी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हुआ। राजभवन में राज्यपाल एल गणेशन ने 9 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 7 कैबिनेट और 2 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। ममता ने विधानसभा चुनाव के बाद सितंबर 2021 में भाजपा छोड़ तृणमूल में आए पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो को भी मंत्री बनाया है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो, स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उद्यन गुहा, प्रदीप मजुमदार, तजमुल हुसैन, सत्यजीत बर्मन को मंत्री बनाया गया है। वहीं मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में बीरबहा हाजदा और विप्लय राय चौधरी को जगह दी गई है। ममता परफॉर्मेंस के आधार पर 3-4 मंत्रियों को हटा सकती है। खबरें हैं कि इन सभी को संगठन के कामकाज में लगाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार जिन मंत्रियों को हटाने की चर्चा है उनमें सोमेन महापात्रा, परेश चंद्र अधिकारी और चंद्रकांत सिन्हा है। साथ ही मलय घटक का भी नाम ऊपर चल रहा है। सोमवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि सुब्रत मुखर्जी, साधन पांडे के निधन और पार्थ के जेल जाने से सरकार के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। ममता के इस बयान के कुछ देर बाद ही तृणमूल जिला संगठन में भी बड़ा बदलाव किया गया था। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।